Hello, students. How are you? I hope all of you are fine. So, while students today, we are going to discuss the question answers of our chapter number three from our honeycomb book. And the name of our chapter is Gopal and Hills of Fish. So, let's start without delay. So, our very first question is there Why did the king want no more talk about the Hills of Fish? क्यु, जो किंग था राजा था वो क्यों नहीं चाहता था कि, कि हिलसा फिश के बारे में कोई भी इंसान बात करे सो आंसर इज देयर एवरी वन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट हिलसा फिश अब किंग ने नोटिस किया कि हर इंसान के मुंह पे हिलसा फिश की ही बात है जिसको देखो वही हिलसा फिश के बारे में बात कर रहा है सो दिस हैड इनफ्यूरिएटेड द किंग सो इस बात ने किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था उसको एंग्री कर दिया था सो ही डेंट वॉन्ट एनी वन टू टॉक अबाउट दिल्स फिश तो दैट्स वाई ही डेंट वॉन्ट वो नहीं चाहता था कि उसके सामने कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वट डिड द किंग आज गोपाल टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर द किंग आज गोपाल टू बाई अल्सा फिश ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड टू एंश्योर दैट नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द फिश ऑन द एंटायर वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस अब जो राजा था उसने गोपाल को क्या करने को कहा जिससे कि गोपाल ये प्रूव कर सके कि वो क्लेवर पर्सन था कि वो चालाक था सो द आंसर इज देयर राजा ने गोपाल को कहा कि तुम एक हिलसा फिश खरीदो बाज़ार से मार्केट से एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश ह्यूज हिल्सा फ़िश है ना सो so, बहुत बड़ी हिल्सा फ़िश खरीदो एंड ये इंश्योर करो कि जब तुम उसको पूरे रास्ते मार्केट से महल तक लेके आओगे तो तुमसे कोई भी इंसान उस हिल्सा फ़िश के बारे में बात ना करे ओके okay? सो so, राजा ने गोपाल को क्या कहा था कि वो कैसे प्रूव करे कि अपने आप को कि वो क्लेबर है तो राजा ने कहा कि तुम एक ह्यूज बहुत ही बड़ी हिल्सा फ़िश खरीदो मार्केट से और मार्केट से लेकर पैलेस तक उसको लेके आओ बट ये इंश्योर करना कि तुमसे रास्ते में कोई भी इंसान उस हिल्सा फ़िश के रिगार्डिंग बात ना करे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही टू बाय हिज हिल्सा फिश अब गोपाल ने वो क्या तीन काम किए मार्केट जाने से पहले जब वो मार्केट जाकर हिल्सा फ़िश खरीदने वाला था उससे पहले उसने क्या तीन चीज़ें की दियर गोपाल हाफ शेवड हिज फेस पहला काम उसने क्या किया उसने अपने फेस को हाफ शेव किया दैट मीन्स एक साइड शेव कर ली और दूसरी साइड शेविंग नहीं की स्मियर ऑन हज बॉडी दूसरा काम क्या किया अपनी बॉडी के ऊपर राख मल ली एश क्या होता है राख पूरी बॉडी के ऊपर उसने अपने राख मल ली एंड वॉर रग्स बिफोर गोइंग आउट टू बाय हिल्सा फिश और तीसरा काम क्या किया ही वो रग्स दैट मीन्स उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए यहाँ रैग्स आएगा सॉरी वो रैग्स बिफोर गोइंग आउट टू बाई हिल्सा फिश हिल्सा फिश खरीदने से पहले ख़रीदने जाने से पहले उसने ये तीन काम किए पहला तो उसने अपने फेस को हाफ शेव किया दूसरा अपनी बॉडी पर राख मर लिया और तीसरा उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए तो यहाँ पर रैग्स आएगा रग्ज नहीं ठीक है आर ए जी एस नेक्स्ट क्वेश्चन इज यर हाउ डिड गोपाल गेट इन साइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश अब जब गोपाल ने वो जो फ़िश थी वो खरीद ली और अब उसको पैलेस के अंदर जाना था अब वो पैलेस के अंदर कैसे गया राजा को मिलने के लिए आफ्टर ही हैड बॉट द फ़िश फिश खरीदने के बाद रास्ते से ले कर मार्केट से ले कर पैलेस तक तो वो पहुँच गया अब पैलेस के अंदर कैसे गया सो गोपाल स्टार्टड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली टू लाउडली इन फ्रंट ऑफ द पैलेस अब गोपाल ने क्या करना शुरू कर दिया पैलेस के बाहर ही उसने ऊँचे ऊंचे से गाना गाना और डांस करना शुरू कर दिया द किंग हर्ड द नॉइज़ और राजा ने आवाज़ सुनी एंड डांस टू द मैन टू बी ब्रॉड इन साइड कि कौन इंसान है जो इतना शोर मचा रहा है इसको अंदर लेकर आओ ठीक है जब राजा ने गोपाल की ऐसी आवाज़ सुनी कि वो डांस कर रहा है या सिंगिंग कर रहा है राजा को तो नहीं पता था कि वो गोपाल है क्योंकि उसने अपनी जो अपेयरेंस है वही चेंज कर ली थी आ, अपने फेस को हाफ शेव किया हुआ था फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे पूरी बॉडी पर राख मल रखी थी सो अब उसको ये करना था कि मार्केट से लेके पैलेस के अंदर तक बिना किसी से हिलसा फिश के बारे में बात किए उसको वहाँ पैलेस के अंदर पहुँचना था तो उसने क्या ड्रामा किया वहाँ पर पैलेस के बाहर उसने डांसिंग और सिंगिंग स्टार्ट कर दी और जब बहुत ऊँचे ऊंचे से बोल रहा था तो राजा को आवाज़ सुनाई दी और राजा ने ऑर्डर किया अपने गेट गेट कीपर्स को कि इस बंदे को अंदर लेके आया जाए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एक्सप्लेन वाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दिल्ल्स फिश विच गोपाल हैड बॉट अब क्यों कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं था उस हिलसा फिश के बारे में बात करने में जो गोपाल खरीद कर लाया था आंसर इज है नो वन वॉज़ इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिलसा फिश बिकॉज ऑफ गोपाल अपियरेंस क्योंकि गोपाल की अपियरेंस के कारण कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उस हिलसा फिश के बारे में बात करने में क्योंकि गोपाल ने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था अपनी अपियरेंस अपनी लुक ऐसी बना रखी थी कि हर किसी का ध्यान सिर्फ उसकी लुक की तरफ जा रहा था कि वो कैसा दिख रहा है कि कैसा पागलदा इंसान दिख रहा है इसने राख मिली हुई है बॉडी पे इसके जो शेविंग है वो हाफ है और फटे पुराने कपड़े पहने तो दैट मीन्स एवरी वन वॉज़ इंटरेस्टेड इन हिज अपेयरेंस ऑनली जो भी उसको देखता था उसके अपेयरेंस के बारे में बात करता था तो हिल्स ऑफ तक तो पहुँचने की किसी की नौबत ही नहीं आई ठीक है सो ही वॉज़ वेयरिंग रग्स हिज़ फेस वॉश हाफ शेवन एंड एश वॉस मेयरड ओवर हिज बॉडी तो यहाँ पर फिर से आप रैग्स कर लेना He was wearing rags, his face was half shaven, and ash was smeared over his body. So people were more interested in his appearance than the fish. So Istara said Julogte Uski appearance means other interested rather than talking about the fish. So next question is there right, true or false against each of the following sentences? The king lost his temper easily. अब यहाँ पर ये है हमें बताना है ट्रू क्या है फॉल्स क्या है तो राजा जो है वो जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था तो यस इट इज़ ट्रू गोपाल वॉज अ मैन गोपाल पागल इंसान था नहीं बिल्कुल भी नहीं उसने सिर्फ अपने आप को क्लेवर प्रूव करने के लिए ये सारी हरकतें की थी अपनी अपेयरेंस ऐसी बनाई थी पागलों जैसी सो गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन येस ऑफ कोर्स ही वॉज क्लेवर मैन सो इट इज़ ट्रू गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स क्या गोपाल इतना ज़्यादा पुअर था कि उसको अब यहाँ पर यह बोला गया कि गोपाल बहुत ज़्यादा पुअर था गरीब था कि वो बेचारा अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग सो द नेक्स्ट इज देयर द किंग गॉड एंग्री वैन ही वॉज शॉन टू बी रोंग द किंग गॉड एंग्री वैन ही वॉज शॉर्न टू बी रोंग अब किंग को गुस्सा आ गया जब उसको रॉन्ग प्रूव किया गया नहीं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था उसे इवन उसने जब देखा कि येस अफकोर्स गोपाल इज क्लेवर कि उसने वो प्रूव कर दिया है कि बिना किसी से बात किए हिलसा फिश की या फिर कोई भी इंसान हिलसा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था एंड ही हैज़ प्रूव्ड दैट थिंग दैट ही वॉज क्लेवर so he was not unhappy at that time so it is uh, false okay so with this our question answers have come to an end i hope all of you have understood this thank you have a nice day